अस्सलाम-ओ-अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद मलिक है और आप देख रहे हैं हम्माद मलिक यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ रोड प्रिंस की एक नई आने वाली गाड़ी के बारे में। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में आपको कितना चीज़ इंजन देखने को मिलता है, क्या इसकी प्राइस होने वाली है और किसकी इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ कुछ आपको मैं बताऊँगा। और ये गाड़ी जो है ये डायरेक्ट सुजुकी मेरान और यूनाइटेड ब्रावो को टक्कर देने वाली है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा आपको नई आने वाली गाड़ी और बाइक की डिटेल सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक कार के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि मेरान और आल्टो को टक्कर देगी। ये रोड प्रिंस की एक नई 800 सीसी गाड़ी होने वाली है और इसकी क्या क्या डिटेल्स हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये जो गाड़ी है ये रोड प्रिंस इसको लॉन्च करने वाली है और ये 800 सीसी मॉडल है। इसमें आपको दो मॉडल देखने को मिल जाएंगे, इसमें से एक जो है वो है ऑटोमेटिक और दूसरा मैनुअल, यानी कि इसमें आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों जो हैं मॉडल देखने को मिल जाते हैं। और रोड प्रिंस की ये गाड़ी जो कि 40 हॉर्स पावर बनाएगी 5500 आरपीएम मीटर और 3.5 नैनोमीटर ऑफ टॉर्क जो कि 3500 से 4500 आरपीएम मीटर पे बनाएगी। टॉप स्पीड की बात कर लीजिए तो इसकी टॉप स्पीड है 120 से 130 किलोमीटर तक इसकी टॉप स्पीड होने वाली है। और ये गाड़ी जो है ये चाइना की, पहले आपने यूनाइटेड ब्रावो भी चाइना की देखी थी, अब उसके बाद ये रोड प्रिंस भी चाइना की जो है गाड़ी आ रही है। तो अब ऐसा ऐसा पाकिस्तानी मार्केट में चाइनीज़ की जो गाड़ी है वो आने शुरू हो गई हैं। तो अभी जो है ऐसा ऐसा जब वक्त गुजरेगा तो आपको काफ़ी यहाँ पर जिस तरह की बाइक की अभी चाइनीज़ बाइक बहुत सारी देखने को मिल जाती है, तो गाड़ियाँ भी आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। कमेंट से मुझे बताएं कि आपको ये चाइनीज़ गाड़ियाँ क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में चाइनीज़ गाड़ी लॉन्च होनी चाहिए और ये प्राइस रेंज को क्या इफेक्ट करेंगी मार्केट को, यानी कि सुजुकी वालों को ये प्राइस का कुछ इफेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। कि अगर इसके बारे में देख लिया जाए तो इसमें आपको जो है तकरीबन हर चीज़ देखने मिल जाती है। इसमें आपको पावर विंडो देखने को मिल जाती हैं और उसके अलावा इसका डिज़ाइन भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका डैशबोर्ड काफ़ी मज़ेदार किस्म का है और इसमें आपको जो रंग है वो भी अच्छे देखने मिल जाते हैं। सीट कवर आप देख सकते हैं और ये स्टेयरिंग इसका चेक कर सकते हैं आप, ये बिल्कुल मतलब कि एक वीआईपी किस्म की गाड़ी आपको नज़र आती है और इसमें आपको हर किस्म के ऑप्शन देखने मिलते हैं जिस तरह मेरान में आपको देखने मिल जाते हैं। बाकी बात कर लीजिए इसकी प्राइस के बारे में, इसकी प्राइस क्या होने वाली है, तो इसकी प्राइस तकरीबन होगी 7 से 7.5 लाख। जी हाँ, 7 से 7.5 लाख की इसकी प्राइस होने वाली है। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये प्राइस कैसी लगी, कि प्राइस ठीक है या नहीं ठीक है, ऐसे कम होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए, तो नीचे आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।